वो कैसी अजीब जात है कि जितनी मखलूक बनाई उनमें फितरी रोहजान रख दी। जो जो फितरी निजाम बना दिए सारी मखलूक उसके ताबे चलती रहती। हम कहते हैं ना शायद की मक्खी बड़ी कारीगर है और बड़े अजीब तरीके से फलों से फूलों से रस जमा करती है, उन्हीं फूलों को आप घोट कर उबाल कर रस निकाल कर बनाए शायद नहीं बनता। वो हर फूल से रस ले आती है, ये नहीं किसी खास फूल से रस लेती है, नहीं, जिस चीज जिस शाख पे जो फूल लगे वो उससे रस ले आती है। और एक ऐसा मालूल तैयार करती है कि अल्लाह के नहीं फरमाते हैं उसमें शिफा है। एक मारूफ तबीब गुजरे हैं, अतिबा की तारीख में उनका तज़करा मिलता है। उन्होंने 8 किस्म के फूलों के अलग अलग बागीचे बनाए, कहीं बनफ्शे के, कहीं किसी और चीज़ गुलाब के, कहीं और कहीं और, 8 किस्म के फूल उन्होंने मुख्तलिफ मुंतखब करके उनके छोटे छोटे बाग बनाए। जब उन पर फूल आए तो हर बाग में एक छत्ता लगाया और 8 फूलों का अलग अलग शहद की मक्खियों से शहद बनवाया, तो सारे अमराज का इलाज उनके उन 8 शहदों से करते थे। कहीं 2 मिलाए, कहीं 3 मिलाए, कहीं 1, ये और सारी बीमारियों का इलाज हो जाता। ये बड़ी मशहूर रवायत है तिब की तारीख में। अच्छा, कभी आप देखें कि शहद की मक्खी का ताकुब करना बड़ा मुश्किल है कि उस शहद के छत्ते तक पहुंचा जाए। जो शहद का छत्ता तलाश करते हैं ना, ये बड़ी मेहनत करते हैं और आहिस्ता 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 यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तब जाकर छत्ते पर पहुँचते हैं। एक मक्खी का छत्ता उधर है, यहाँ से फूल से उड़ेगी तो उधर जाएगी, वहाँ से उधर चली जाएगी, उधर से उधर चली जाएगी, तो पता नहीं कितने मोड़ काट कर वो छत्ते पे जाती है। उसे पता है कि पीछे कोई आ ना जाए। फिर ये शहद के शिकारी छोटी सी उसमें प्याले में शहद रख के उसे एक बना लेते हैं, टिपाई सी उस पर रख के बैठ जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं। फिर मक्खी भी लालच में आ जाती है, बना बनाया शायद है यहाँ से ले जाऊँ, वहाँ से ले के उड़ती है तो उधर जाए तो वो टिपाई सी चाह कर वहाँ रख दे, वहाँ से ले के उड़ती है जिधर जाए वो टिपाई उधर। इस तरह कई दिन करने के बाद वो छत्ते तक जा पहुँचते हैं, खा छत्ता वहाँ से 10 गज दूर हो, ये भी उसे शऊर है। आप देखें धूप तेज हो गई, शायद के पिघलने का अंदेशा है, तो सारी मक्खियां उसके ऊपर भिनभिनाना शुरू कर दी। इतनी हवा होती है कि वो ठंडा रहता है। ये भी उन्हें किसी ने बता दिया कि भाई इस तरह परों से हवा देकर, नहीं तो ये बह जाएगा। इतने खाने बनाती हैं, उनके 8-8 जिले होते हैं और हर जिला बराबर होता है। उनके पास ना कोई फीता है ना कोई नापने की चीज है, लेकिन आप सारे नाप के देख लें। क्या इसके अलावा भी कोई चीज बना सकती है? नहीं। इतनी कारीगर जो हैं तो कुछ और भी बनाए नहीं, यानी हर चीज को फितरी तौर पर एक इस्तेदाद दी है, वो काम वो करती रहती। दरिंदों को, हैवानों को, परिंदों को, जिसको जो इस्तेदाद दी है उसका उसकी तबीयत सानिया बना दी। अब मछली का बच्चा पानी में पैदा होगा तैरना शुरू कर देगा, उसे तैरना सिखाने की उसकी फितरत है, तैरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फितरी तौर पर उसे एक तरबियत दे गया, उसके अलावा उसे को जमीन पर दौड़ लगा तो वो नहीं कर सकता। आप सिखाना भी चाहें तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता।
लेकिन इंसान को क्या अजीब मजमू बना दिया, वनफसम वमा सवा, इंसान को कैसा अजीब संवारा, फअलहमा फजूरहा वतक्वा, इसमें अजीब जिद्दें जमा कर दी, नेकी भी कर सकता है बुराई भी कर सकता है। फितरी तौर पर या तो नेकी के लिए पैदा होता और नेकी ही कर सकता, बुराई कर ही ना सकता, या बुराई के लिए बनता तो बुराई ही करता, नेकी करना ऐसा नहीं है। आप सारे जानवरों को देखें, सारी जल अरवाह को देखें, परिंदों को देखें, दरख्तों को, शजर व हजर को देखें, फितरी खसूसियात दे दी गई हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। वो काम जो फितरत ने सिखा दिया वो बतौर आसन कर रहे हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।